लगा देंगे। हेलो फ्रेंड, हलचल फूड में आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज अच्छे से रहना। आप लोग तो वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, चलो कोई बात नहीं। तो आज और एक यूनिक रेसिपी के साथ आया हूँ। आज हम बनाएंगे आलू दे के आलू का फिरदोसी, पूरा तंदूर में बनेगा पूरा। तो आलू फिरदोसी का रेसिपी क्या है तो आज वही देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो के साथ बने रहना और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना भूलना मत। तो चलिए शुरू करते हैं। फिरदोसी बनाने के लिए पहले तो हमने आलू ले लिया, 6 आलू ले लिया। तो पहला काम है आलू को छील लेना है एकदम अच्छे से। आलू छील के पानी में डाल दिया, अभी इसके अंदर से होल करेंगे। पिलर के मदद से इसके अंदर पूरा होल कर लेंगे। देखो दिखा कैसा हुआ, ये देखिए पूरा इधर से उधर दिख रहा है। एकदम पतला करके इसको होल कर लेते हैं सब। पापड़ को फ्राई कर लेंगे क्योंकि इसका स्टफिंग में पापड़ भी लगेगा। पापड़ फ्राई हो गया। जो आलू हमने होल करके रखा था वो आलू को अभी फ्राई करेंगे। एकदम स्लो आंच में वो फ्राई करेंगे। एकदम स्लो आंच में आलू को फ्राई करेंगे क्योंकि आलू इसमें पूरा पकाना है। तो आधा से ज़्यादा आलू इसी में ही पका लेंगे एकदम ब्राउन कलर करके। आलू फ्राई हो गया, देखिए कितना मस्त हो गया, ब्राउन कलर आ गया। अभी इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए अभी इसका अंदर का स्टफिंग का मसाला बनाएंगे। आलू का अंदर का मसाला के लिए पहले तो हमने पनीर ले लिया। अभी पनीर में डालेंगे पहले चीज, इसमें डाल देंगे अमूल चीज ग्रेट करके। अभी इसमें डालेंगे काजू और किशमिश। काजू किशमिश डाल दिया। अभी डालेंगे पापड़ जो फ्राई करके रखा था। मसाला में पहले डालेंगे जीरा पाउडर, नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इन सबको एक साथ मिलाएंगे। मसाला बन के रेडी हो गया। अभी इसके अंदर स्टफिंग करेंगे आलू के अंदर। एकदम आराम आराम से भरना है, नहीं तो आलू जो है ना वो फ्राई किया हुआ है तो फट जाएगा तो सरिया में नहीं लगेगा। कि एकदम आराम आराम से दोनों साइड से। ये रेडी हो गया एक, फिर दूसरा ऐसे ही सेम स्टफिंग करेंगे। खाने में बहुत ही ज़बरदस्त है। आप कभी होटल में जाएंगे तो आलू फिरदोसी ट्राई करना। तो स्टफिंग कंप्लीट हो गया।
अभी इसका बाहर का मसाला बनाएंगे, दही का मसाला। मसाला के लिए पहले हमने बॉल ले लिया, इसमें अब डाल देंगे भुना हुआ बेसन, फिर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अब डालेंगे रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग नमक, धनिया पाउडर, कस्तूरी मेथी और जीरा पाउडर। अब डालेंगे इसमें मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल, राई का तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। अब इन सबको एकदम एक साथ अच्छे से मिला लेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे दही, छाना हुआ हैंग किया हुआ दही, मसाले के साथ दही को एकदम अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, अब फूड कलर के जगह मिर्ची पेस्ट यूज कर सकते हैं। तो मसाला हमारा बन के रेडी हो गया। मसाला में अभी आलू को डाल देंगे, अभी मसाला के अंदर एक एक आलू डाल देंगे जो स्टफिंग किया हुआ था, और थोड़ा सा मसाला के साथ मिला के इसको रख देंगे, क्योंकि आलू जब ऐसे एक दो घंटा तक ऐसे ही रख देंगे, क्योंकि मसाला जो है ना आलू के अंदर एकदम अच्छे से चला जाएगा। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया मैरिनेशन। तो चलिए मिलते हैं दो घंटे के बाद, तब तक के लिए आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर मिलेंगे तंदूर में। तो इससे निकाल लिया, दो तीन घंटा हो गया, तो अभी इसको बनाएंगे। चलो बनाते हैं, पहले तो सरिया में लगा लेते हैं। सबसे पहले सरिया में तो एक आलू का स्लाइस लगाएंगे कि वो गिरे ना। उसके बाद मसाला के साथ इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी इसको एक एक करके लगाएंगे। एक तो लगा लिया, फिर से एक आलू डालेंगे। ये अभी सपोर्ट हो गया, फिर ऐसे ही फिर ऐसे ही और एक आलू, फिर से मसाला में मिलाएंगे, एकदम बीचों बीच डालेंगे इसको। ऊपर से एकदम अच्छे से चारों तरफ से मसाला लगा देंगे। तो अभी इसको डाल देते हैं भट्टी के अंदर। ये आ गया, 10 मिनट में पक जाएगा। ऐसे करके पूरा फंसा लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे। तंदूर बहुत गर्म है, हो रहा है। एक हो गया, ये देखिए। तो इसको अभी निकाल लेता हूँ, निकाल के कटिंग करेंगे।
तो ये हो गया है, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो अभी इसको निकाल लेते हैं एक एक करके, आराम आराम से निकालेंगे। अभी इसको काटेंगे, ये बीच में से फाड़ दिया। ऐसे छोटा छोटा करके पीस करेंगे। अंदर जो चीज और पनीर डाला था वो अच्छे से मैरिनेट हो गया। और कंटेनर में एक एक करके सजा लेंगे। तो अंडा जैसा दिख रहा है ना। तो कटिंग करके फाइनली रेडी कर लिया। अभी इसके ऊपर से डालेंगे, अभी इसके ऊपर से डालेंगे अमूल चीज। ये डाल दिया, ऊपर से डालेंगे अमूल बटर। थोड़ा सा चाट मसाला, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से जीरा पाउडर। तो फाइनली आलू फिरदौसी बनकर रेडी हो गया। कैसा लगा और कैसा हुआ वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगेगा तो आपको तो पता ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।